पंजाबी राजमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लाल वाला राजमा लिया है 500 ग्राम। राजमा को हमने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था तो ये अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तो कुकर लेंगे, कुकर में सारा राजमा ऐड कर देते हैं और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें नमक डालेंगे और तेज़पात का पत्ता डालेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और पानी अपने हिसाब से डालेंगे जितना कि आपके पास राजमा है। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 कप पानी यहाँ पर ऐड करा है और कम से कम 4 से 5 सीटी ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर सीटी हमने ले ली हैं। राजमा भी अच्छे से उबल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइज़ में बहुत ही बड़ा हो चुका है राजमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को हमने गर्म कर लिया है। एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे हम इसमें और 1/4 चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे, लहसुन की कलियाँ डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे, ट्रांसपेरेंट होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर प्योरे डालेंगे, जो कि हमने इसमें टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया है। अब हम पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक इसका जो तेल है वो अलग दिखाई नहीं देने लगेगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। उबला हुआ राजमा इसमें ऐड कर देंगे और चला देते हैं मसालों को अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 2 से 3 कप फिर से पानी हमने इसमें ऐड करा है। नमक ऐड कर देते हैं, नमक हमने पहले भी डाला था उबालते समय। इसको ढककर रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमा बहुत अच्छे से ये उबाल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रश करके इसको डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ, मिक्स करते हैं। तो राजमा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। इसको आप सिंपल चपाती, पराठे या राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये राजमा। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।